एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम दलसर ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ने वाले सिमरी कला में हैं और वहां के प्रधान जी हैं अमित सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि अभी नव निर्वाचित प्रधान जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है जो पूर्व में रह गई थी और सबसे बड़ी समस्या आपने सुनी यहाँ गौशाला की है। कई कहते हैं कि अब आप जब से जीते हैं तो वहाँ की क्या व्यवस्था है और अन्य किस व्यवस्था पे आप देख रहे हैं विकास के बारे पे। जी प्रधान जी, आप पहले आप अपना पता पूरा बताइए ना। मैं अमित सिंह, प्रधान सिमरी कला। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले जो अव्यवस्थाएँ थी गौशाला में हमारी, तो हम उसका निदान करने के लिए खुद अपने पास से व्यवस्था करके जो है भूसे की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था किए हैं और जो वहाँ लेबर थे उनको, उनका जो है अच्छे लेबरों की जो है उसमें रख रखाव के लिए व्यवस्था किए हैं और देख रेख कर रहे हैं। तो जब से हम चार्ज लिए हैं तब से हमारे यहाँ जो है गौशाला में जानवर जो जो मृत्यु होती थी वो दर बिल्कुल शून्य हो गई और इसके पहले की जो अव्यवस्था थी उसका सुधार कर रहे हैं। और सरकार अगर हमको और विभाग अगर आगे हमको जो है मदद करेगा तो हम बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे गौशाला की, क्योंकि हम पूर्व से ही जानवरों की बहुत सेवा करते थे और अगर सरकार ने मदद की तो हम अच्छी व्यवस्था करेंगे गौशाला की। इस समय आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिले या आप खुद ही पैसा लगा? अभी जो है हमको कोई व्यवस्था नहीं मिली, भूसा चारा व्यवस्था जो भी है हम अपने आप खुद से कर रहे हैं और अभी हमको कोई व्यवस्था मिली नहीं। कितने गौवंश हैं इस समय आपकी गौशाला में? हमारे यहाँ 185 जानवर हैं जो व्यवस्थित हैं और उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसमें नंदी कितने हैं और कितनी गौ माता? लगभग हैं 70-80 नंदी हैं और उसके बाद सब गौ हैं, गौ माता हैं। कितने लोग वहाँ कार्य करने वाले हैं इस समय? लगभग जो है 6 लोग काम कर रहे हैं इस समय। जी अभी आप एक नए प्रधान बने हैं? जी जी जी। किस तरह से और भी अड़चने आ रही हैं? अड़चने आ रही हैं जो गांव में तमाम अफवाह कि ऐसा है, काम नहीं करने देंगे, ऐसा करने देंगे, जो विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इससे हम घबराते नहीं हैं। अगर हमने जनता ने हमको चुना है तो हमको संघर्ष करेंगे और हम इससे घबराएंगे नहीं और जनता की सेवा करेंगे और हम अपना जो है जो जीत का श्रेय है हम जनता को दे रहे हैं और जनता को हर परिस्थितियों में जनता ने हमारा साथ दिया है और हम जनता का आभार प्रकट करते हैं और हमको बहुत खुशी है जनता की सेवा करने में और हम निरंतर जनता की सेवा में कार्य करेंगे और उनको हम हर तरीके से खुश रखेंगे। और ग्राम समय में कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जैसे जो नाली है, सड़क है, ये अव्यवस्थित हैं और ये भी व्यवस्था हमने जो है अपनी कार्य योजना में डाल दिया है, इसकी भी समुचित व्यवस्था कराएंगे हम।